गुड मॉर्निंग क्लास 9। ये आपकी नई बुक है, सहायक पुस्तिका है, आईसीएसई साहित्य सागर कहानियां है। इसकी जो लेखक है, लेखिका है पुष्पलता भटनागर। और इसके आपको दो जो है चैप्टर करवा चुकी हूँ मैं पुरानी बुक से, वो जो है पहला वाला और बात अठन्नी की और काकी। आज हम तीसरा इसका अध्याय पढ़ेंगे, महायज्ञ का पुरस्कार, यशपाल जैन जो कि इसके लेखक है। लेखक परिचय दे रखा है, आप इसको स्वयं भी पढ़ सकते हैं लेखक परिचय, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। लेखक परिचय, श्री यशपाल जैन का जन्म 1 सितंबर 1912 को विजयगढ़ जिला अलीगढ़ में हुआ था। संस्था साहित्य मंडल में के प्रकाशन के पीछे मुख्यतः इनका ही परिश्रम था। इन्होंने सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन के मंत्री के रूप में हिंदी की सेवा की। इन्होंने अनेक उपन्यासों, कहानी तथा कविता संग्रहों एवं आत्मकथा, 3 नाटकों एवं 1 यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन व संपादन किया। 1990 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यशपाल जैन ने अनेक बालोपयोगी कहानियां लिखी पर उपन्यास नहीं लिखा था। अचानक उन्हें आभास हुआ कि बच्चों के लिए उपन्यास भी लिखना चाहिए और इनकी लेखनी उस दिशा में चल पड़ी तथा इन्होंने राजकुमार की प्रतिज्ञा नामक बालोपयोगी उपन्यास की रचना की। 10 अक्टूबर 2000 को नागदा मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। इसका जो कहानी है, जो कथानक है, वो इस प्रकार है। एक धनी सेठ थे, वे धार्मिक विचारों के व दीन दुखियों की सहायता करने वाले व्यक्ति थे। कोई भी व्यक्ति उनके द्वार पर आता निराश नहीं लौटता था। उन्होंने अनेक यज्ञ किए थे पर अचानक भाग्य ने पलटा खाया और धनी सेठ निर्धन हो गए। सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। सेठ के पास खाने को कुछ भी नया बचा था। तब दुखी होकर सेठानी ने उन्हें एक यज्ञ बेचने को कहा। उस समय ऐसी परंपरा थी कि लोग अपने यज्ञों के पुण्य को बेचकर कुछ धन पा सकते थे। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था उसके अनुसार मूल्य मिल जाता था। आखिरकार मजबूर होकर सेठ जी कुंदनपुर के धन्ना सेठ को एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। ऐसा कहा जाता था कि धन्ना सेठ की पत्नी को एक दैवी शक्ति प्राप्त थी जिससे वह तीनों लोगों की बातों को जान लेती थी। सेठानी ने पड़ोसी से आटा मांगकर 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई और अपने पति को रास्ते में खाने के लिए दे दी। वह प्रातः जल्दी उठकर यज्ञ बेचने के लिए चल पड़े। जल्दी जल्दी चलने लगे ताकि धूप निकलने के पहले काफी रास्ता पार कर सके। आधा रास्ता ही पार कर सके थे कि तेज धूप के कारण वे थक गए। उनकी देह भी पसीने से लथपथ हो गई और उन्हें भूख सताने लगी। सेठ जी वृक्षों से भरे एक बगीचे में विश्राम करने के लिए रुक गए। वहाँ एक कुआं भी था। उन्होंने अपना लोटा व डोर निकालकर कुएं से पानी खींचा और हाथ पैर धोए। पेड़ के नीचे बैठ रोटी निकाली और जैसे ही वह एक टुकड़ा कौर खाने लगे तो उनकी दृष्टि एक भूख से छटपटाते कुत्ते की ओर गई। उसकी गर्दन भी उठ नहीं पा रही थी। सेठ को दया आई और स्वयं ना खा कर एक रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिए। रोटी खाकर कुत्ते के शरीर में थोड़ी जान आती दिखी। कुत्ते का पेट अभी भी कमर से लगा था। यह सोचकर कि इसे एक रोटी और खिला दूं तो यह चलने फिरने लगेगा, सेठ जी ने दूसरी रोटी भी उसके सामने डाल दी। 2 रोटियां खाकर कुत्ते के शरीर में ताकत आ गई और वह खिसक कर
सेठ जी के पास आ गया। दयालु सेठ ने एक और रोटी कुत्ते को खाने के लिए दे दी ताकि वह ठीक से चल फिर सके। शेष बची आखिरी रोटी को वे स्वयं खाने ही वाले थे कि उन्हें कुत्ते की आंखों में संतोष नहीं दिखाई दिया और अंतिम रोटी भी उन्होंने उस कुत्ते को खिला दी। सेठ जी एक लोटा जल पीकर थोड़ा विश्राम करके कुंदनपुर चलने की तैयारी करने लगे। रात आरंभ होने वाली ही थी कि वे कुंदनपुर के धन्ना सेठ के यहाँ पहुँच गए और आर्थिक संकट के कारण यज्ञ बेचने के बारे में बताया। सेठानी ने कहा कि हम यज्ञ लेने को तैयार हैं, पर हम तुम्हारा महायज्ञ लेना चाहेंगे। सेठ चौंक गए। धन्ना सेठ ने तुरंत कहा कि जो महायज्ञ तुमने आज संपन्न किया है मुझे वही चाहिए। सुनते ही सेठ ने दुखी होकर कहा कि मैंने तो बहुत सालों से कोई यज्ञ नहीं किया, आप महायज्ञ की बात कर रही हैं। पर सेठानी अपनी बात पर अड़ी रही। सेठ जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि इन्हें कोई यज्ञ नहीं खरीदना है। उन्होंने दुखी होकर अपने यज्ञ न करने की बात दोहराई। तभी धन्ना सेठानी ने उन्हें रास्ते में उनके द्वारा कुत्ते के प्रति दयापूर्ण व्यवहार की बात कही तथा उन्हें महायज्ञ बताते हुए खरीदने की इच्छा प्रकट की। सेठ जी के विचार में किसी प्राणी के प्रति किए गए कर्तव्य का मूल्य लगाना अनुचित था। वे निराश होकर वापस चल दिए। वापसी में एक धर्मशाला के चबूतरे पर लेटकर उन्होंने रात बिताई। सुबह चलकर शाम को अपने घर आ गए। सेठ जी को निराश आते देखकर सेठानी अनहोनी की आशंका से डर गई, लेकिन सेठ जी की पूरी बात सुनकर उनकी निराशा दूर हो गई और उन्होंने अपने पति के चरण छूकर धीरज रखने को कहा। रात के अंधकार में दिया जलाने के लिए वह दालान में गई तो किसी चीज से ठोकर लगने से वह गिरते गिरते बची। दिया जलाकर जैसे ही उन्होंने नीचे की ओर देखा तो दहलीज के सहारे एक पत्थर था जो ऊंचा हो गया था। उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा था। उसी कुंदे से उन्हें ठोकर लगी थी। हैरान होकर उन्होंने सेठ जी को आवाज लगाई। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह किसी चीज का ढकना है। जो ही उन्होंने कुंदे को पकड़कर खींचा तो अंदर जाने की सीढ़ियां दिखाई दी। दोनों दिया लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। जवाहरातों से भरे जगमगाते तहखाने को देखकर दोनों हैरान रह गए। तभी उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, तुमने स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ को यह पुरस्कार है या उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतार्थ हुए तथा उन्होंने धरती पर माथा टेक कर भगवान को दंडवत प्रणाम कर आभार व्यक्त किया। क्लास 9 आपको ये कहानी ध्यान पूर्वक पढ़नी है और यही आपका होमवर्क है।